अच्छा जी, सो दैट्स इट अबाउट ऑब्जेक्ट नेट। इसके बाद ट्वाइस नेट आ जाता है, बट इसको स्टार्ट करने से पहले अब हम इसकी लैब्स कर लेते हैं। तो आइए लेट्स कंक्लूड इट। सो सबसे पहले डायनामिक नेट, हमारा लैब सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एएसए के तीन इंटरफेसेस हैं। वी हैव इनसाइड सिक्योरिटी लेवल 100, वी हैव डीएमजी और हमारे पास आउटसाइड है। टेन डॉट वन डॉट वन डॉट वन, और इसके साथ हमारे पास एक फेल ओवर मोड में स्टैंड बाई यूनिट भी लगा हुआ है, बट वी आर नॉट ड्रॉइंग दैट। इधर हमारे पास एक राउटर है विच इज आर वन, आर वन के ऊपर हमारा जो आईपी चल रहा है दैट इज 10.1.1.3। आउटसाइड पे वी हैव आर टू, इधर जो आईपी चल रहे हैं वो है 10.1.2.1 और 10.1.2.2 स्टैंड बाय एएसए का है जो हम अभी यहां नहीं ड्रॉ कर रहे, लिहाजा 10.1.2.3 इसका है। और हमारे पास डीएमजी में एक नोड है विच इज आर थ्री, और यहां पे जो आईपी चल रहा है दैट इज 10.1.3.1 एंड वी हैव 10.1.3.2 ऑन अ स्टैंड बाय यूनिट ऑफ एएसए, सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग 10.1.3.3 ऑन दिस नोड। इस वक्त आर वन से आर टू को अगर आप टेलनेट करें तो दिस इज आउटबाउंड कम्युनिकेशन, और इसी तरह अगर आप डीएमजी से इसको टेलनेट करें तो दिस इज आउटबाउंड कम्युनिकेशन, वेयर एज यहां से कोई इधर आना चाहे दिस इज इनबाउंड, यहां से कोई इधर आना चाहे दिस इज इनबाउंड, एंड फॉर एनी इनबाउंड कम्युनिकेशन वी नीड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट दैट इज मैंडेटरी। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से परमिट हो रहा है तो बाद की बात है नेट वगैरह। खैर उन अब चीजों को हमें कंबाइन करना है, वी नीड टू लुक एट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट प्लस नेट, इन दोनों चीजों को भी हमें क्लियर करना है। अभी देखिए हमने जो आउटबाउंड कम्युनिकेशन की है उसमें हमने आज तक टीसीपी टेस्ट किया है, यूडीपी टेस्ट किया है, और आईसीएमपी जो है हमारा वो आज तक प्रॉब्लम में ही है, एंड वी नो कि आईसीएमपी जो है वो आउटबाउंड वेल ट्रीट नहीं होता। इसके ऊपर सो इस वजह से हम आज तक आर वन से आर टू को पिंग नहीं कर सके। ये जो पिंग कम्युनिकेशन है हमारी ये आज तक ब्लॉक्ड है। इस बात को जो मैं आपके सामने कर रहा हूं इसका कोई ताल्लुक नेट के साथ नहीं है, लेकिन पिंग बहरहाल हमें ऑपरेशनल तो चाहिए ना कहीं नेटवर्क में। हो सकता है कि हम चाहें कि आर वन आर टू को पिंग कर सके, वी वॉन्ट आउटबाउंड कम्युनिकेशन पॉसिबल फॉर आईसीएमपी जस्ट
the way it works for TCP and UDP. But that is blocked. This is an obvious fact so far. तो अगर हमने पिंग को अलाउ करना है तो क्या करना है? इसका ताल्लुक नेट से नहीं है, मैं रिपीट करूंगा, इसका ताल्लुक आपके प्रीवियस सेशन से है और वो एक्सेस लिस्ट है. सो एक्सेस लिस्ट के जरिए आप ये कर सकते हैं. अगर पिंग आज तक ब्लॉक्ड है तो उसको अलाउ करने का जो हल है वो है आपके पास, बिकॉज यू हैव एक्सेस कंट्रोल लिस्ट टूल विद यू नाउ. तो बिफोर वी एनेबल नेट, आप R1 से R2 के ऊपर पिंग करने के लिए क्या करेंगे ऐसे पे हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद नेट की तरफ आ जाएंगे. तो ASA पर एक्सेस लिस्ट की मद में कुछ नहीं बना हुआ, नेट में कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट्स में कुछ कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है. लेट्स क्लियर इट. शो रन नेट, शो रन ऑब्जेक्ट, शो रन एक्सेस लिस्ट. सो दिस इज सिंपली प्लेन ASA, नो कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड. लेट्स गो टू R1. अच्छा, R1 से अगर मैं TCP कम्युनिकेशन करूं 10.1.2.3 के साथ, हु इज 10.1.2.3? दिस गाय. सो आई एम ट्राइंग टू एक्सेस दिस वन फ्रॉम राउटर 1. I am able to do so. So हम R1 से R2 के अंदर outbound TCP कर सक रहे हैं और उसके लिए connection table में entry भी है. ping करते हैं 10.1.2.3 को. तो ping नहीं हो रहा, R1 से R2 ping नहीं हो रहा. So how to allow ping to start working through ASA, high to low. उसका तरीका ये है कि हमें access list लगानी है outside.in. जो भी ACL में outside interface पे लगाऊंगा, usually हम उसका नाम outside.in यानी उसकी direction और किस interface पर लग रही है वो दोनों की झलक हमें उस नाम में मिल जाती है, तो बाद में इजी टू रिकॉग्नाइज होता है. सो एक्सेस लिस्ट आउटसाइड डॉट इन परमिट आईसीएमपी. अगर एनी कर दूंगा तो फ्रॉम एनी डायरेक्शन टू एनी डायरेक्शन ये स्टार्ट हो जाएगा. ओके, लेट्स गो टू ASA. एक्सेस लिस्ट आउटसाइड डॉट इन परमिट आईसीएमपी एनी. तो अगर मैं चाहता हूं कि पिंग टू वे अलाउ हो जाए ASA में सो दैट आई कैन ट्रबल शूट माई नेटवर्क, तो मैंने आईसीएमपी प्रोटोकॉल को अलाउ कर दिया. अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ अंदर से पिंग जाए और सिर्फ बाहर से उसके रिस्पांस वापस आए, तो वी कैन यूज स्पेसिफिक स्टेटमेंट और उसमें हम कह सकते हैं कि हम आईसीएमपी के इको रिप्लाई बस अलाउ कर रहे हैं. तो उसमें फिर इको रिक्वेस्ट अंदर से बाहर जाएगी, बाहर से रिप्लाई अलाउ होंगे, तो अंदर वाले बाहर को पिंग कर सकेंगे, बाहर वाले अंदर को फिर भी नहीं कर सकेंगे. बट फिलहाल हम टू वे पिंग अलाउ कर रहे हैं. तो इस ACL को हमने लगा दिया आउटसाइड इंटरफेस पे. अब हम पिंग करते हैं तो वी आर एबल टू पिंग. और अब हमें ICMP के कनेक्शन भी नजर आना शुरू हो गए. सो इससे पहले हमने अपने कोर्स के प्रीवियस तमाम लेसन्स में कभी भी हाई टू लो या लो टू हाई पिंग एक्सपीरियंस नहीं की थी ASA में. तो आज हमने देखा कि ये पिंग को एनेबल करना जस्ट एक्सेस लिस्ट के सहारे से एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन से पॉसिबल है. सो ये तो था एक साइड नोट कि किस तरह से हमने ये जो पिंग को नहीं हैंडल किया जा रहा था इसको एनेबल करना है, जो कि हमने कर लिया. सो नाउ आउटबाउंड ट्रैफिक टीसीपी यूडीपी आईसीएमपी ऑल थ्री आर पॉसिबल, क्योंकि हमने आईसीएमपी के लिए भी रेडीनेस कर ली है.